डीएवी पब्लिक स्कूल इटावा हरक के तत्वधान में एक सम्मान समारोह का आयोजन। बेगूसराय शनिवार के दिन डीएवी पब्लिक स्कूल इटावा हरक के प्रांगण में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में विद्यालय के जूनियर बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। सबसे पहले स्कूल के प्राचार्य श्रीमती सविता जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा स्वागत गान एवं नृत्य प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। वहीं आज विद्यालय प्रांगण में शिक्षा के क्षेत्र में, खेल में, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उनके माता पिता के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती सविता ने उपस्थित वरिष्ठ अभिभावक को सम्मानित करते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को निखारने तथा उचित मार्गदर्शन देने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर विद्यालय के उपस्थित शिक्षक शिक्षिका ने अपने पूर्ण योगदान दिया। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। सम्मान समारोह रखा गया था, किस प्रकार का ये कार्यक्रम? सर्वप्रथम बेगूसराय के सभी निवासियों को मेरा सादर नमन, नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ बच्चों की अन्य गतिविधियों को भी हम मौका देते हैं, ताकि जो इन बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उनकी प्रतिभा निखर के आए। अभी जब हम 21st सेंचुरी स्केल की बात करते हैं, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की अन्य गतिविधियों को भी समागम करना पड़ता है। तो ये जो हमारा सम्मान समारोह है, पिछला वर्ष सत्र 2022-23 के लिए हमने उन बच्चों और अभिभावकों को दिया है। आज जो हमारा प्राइमरी विंग के बच्चों को दिया गया, जिसमें LKG से लेकर स्टैंडर्ड 4th के बच्चे थे, जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत किया और ओवरऑल परफॉर्मेंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपनी शैक्षणिक कार्य में दिया, उनके बच्चों को और माता पिता को सम्मान किया गया। साथ ही साथ शैक्षणिक के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ, जैसे हमारा फाइन आर्ट्स हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स है, डिसिप्लिन है, अटेंडेंस है। खास करके आपको खुशी होगी कि हमारे एक बच्चे ने 205 में 204 दिन बच्चा आया। तो ये कहीं ना कहीं माता पिता का सहयोग होता है। बच्चों को एक्टिविटीज दी जाती है, प्रोजेक्ट दी जाती है। अगर बच्चों को घर में अभिभावकों का सपोर्ट ना मिले तो बच्चों को करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हर क्षेत्र को कैटेगराइज किया गया, उसके बाद बच्चे को और उनके माता पिता को हमने सम्मान दिया है। अब सोमवार को यानी कि 1 मई को 5th onward के जो हमारे बच्चे हैं, जो कक्षा 5वीं से लेके 8वीं, कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं, क्योंकि 10वीं और 12वीं के बच्चे तो बोर्ड की परीक्षाएं देते हैं, उन बच्चों को और उनके माता पिता को सम्मान देंगे। इस सम्मान समारोह के पीछे एक बहुत बड़ी मकसद है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो माता पिता दिन भर लगते हैं और जो हमारे विद्यालय के शिक्षक लगते हैं, ये एक बच्चे और माता पिता नहीं, हम शिक्षकों का भी सम्मान है, समाज का भी सम्मान है, ताकि इस सम्मान से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और आने वाले समय में बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें जो कहते हैं 360 डिग्री की होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि ये बच्चे हमें हमारे समाज के, देश के जिम्मेदार और नैतिक इंसान बने। और जैसे DAV का आप जानते ही हैं, 3 मूल्य उद्देश्य जिस पर DAV की स्थापना हुई है, शिक्षा, सेवा और संस्कार, और इन तीनों का हम समागम अपने बच्चों की